हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं अम्मत भाई। और दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे पास स्टूडेंट से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर DFCCIL का रिजल्ट कब आएगा, DFCCIL का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, DFCCIL ने कल अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि DFCCIL ने रिजल्ट डिक्लेयर किस तरह से किया है, क्या अलग किया है इस बार, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है, एक छोटी सी नई चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आगे की प्रोसेसिंग क्या कैसे जाने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक दे रहा हूँ, तो आप सब उस लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो PDF है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके डाल दी हुई है, तो आप सब चाहें तो उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करके फ्रेंड्स। और वहाँ पर आपको समय समय पर स्टडी मटेरियल मिलते ही रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, DFCCIL.gov.in वेबसाइट को खोलना है। जैसे आप वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको न्यू सेक्शन पर जाना है, न्यू सेक्शन पर सबसे ऊपर, जी हाँ दोस्तों, ये कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन हैं जो कि स्क्रॉल कर रही थी जब मैंने स्क्रीन शॉट लिया। तो आपको क्या करना होगा, कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन, जब जैसे आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो ये जो स्क्रॉल हो रही इन्फॉर्मेशन न्यूज़, इनमें सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा रिजल्ट फॉर द पो रिजल्ट फॉर DFCCIL एग्जामिनेशन। तो आपको उसको क्लिक कर लेना तो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट हमारे एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम सबसे पहले PDF देखते हैं कि क्या कैसा है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर ये रही आपकी PDF, और मैंने PDF ऑलरेडी खोलकर रख ली हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने PDF ऑलरेडी खोलकर रख ली हुई है आपको दिखाने के लिए। तो ये DFCCIL का रिजल्ट है जो कि डिक्लेयर हो चुका है, ये DFCCIL का ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 10 नवंबर को एग्जीक्यूटिव पोस्ट के सिविल के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए नाम आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, उनके लिए उनकी लिस्ट दे दी गई है, और उनको आगे की प्रोसेसिंग क्या है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत बड़ा चेंज है कि पहले जो सेकंड फेज़ होना था अब वो सेकंड फेज़ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला, और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद मेडिकल होगा और उनका फाइनल सिलेक्शन उनको मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड फेज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी ये लिस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 82 स्टूडेंट, जी हाँ, 82 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब जो स्टूडेंट इनमें से वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई करेंगे वो ज्वाइन करेंगे। यदि इनमें से कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, और उनके बाद इनके अलावा जो स्टूडेंट होल पर रखे गए होंगे उनके लिए उम्मीद बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आगे क्या क्या है। तो आपको बता देना होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ, कॉर्पोरेट ऑफिस 5th फ्लोर, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर डिपार्टमेंट सिविल है, और सीरियल नंबर 1 से लेके 14 तक का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 17 जनवरी को है, और 42 से 82 तक का है वो 18 जनवरी को। टाइमिंग दोनों की सुबह 9 बजे से है, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो 17 वालों का 18 को होगा, और 18 वालों को 19 को होगा वहीं पर दिल्ली में ही दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन क्या हुआ है कि इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, इट विल बी रिशेड्यूल ऑन द नेक्स्ट अवेलेबल डेट एट द सेम टाइम एंड वेन्यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, नो होटल चार्ज एंड नो अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड इन एनी केस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने होंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये मिसली मोस्टली हमारे उन फ्रेंड्स के लिए जिन फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ, और जो देखिए कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को शायद स्किप कर दे कि सिविल का आया हुआ है। जी नहीं दोस्तों, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आगे आने वाले रिजल्ट्स आएंगे, जैसे अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारा मल्टीटास्किंग का रिजल्ट आएगा, तो उन रिजल्ट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सेम होंगे। तो आप इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं कि आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर रख पाएं। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन की
मार्कशीट हो सकती है, आपका ओरिजिनल वर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। यदि आप एससी एसटी और ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, यदि आप डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसके अलावा आपकी मार्कशीट में मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट लगानी होगी, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। और यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं तो उस गवर्नमेंट जॉब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब NOC भी आपको लगाना होगा दोस्तों। जी हाँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको NOC के अलावा आपको क्या करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी ले जाने, साथ में इनकी फ़ोटोकॉपी भी ले जानी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उन्हें ही ये जॉब आगे दी जाएगी, रेस्ट विल बी रिफ्यूजेज, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे एस सी एस टी के फ्रेंड्स के लिए है, यदि एस सी एस टी के फ्रेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट मिलना है, तो उसके लिए आपको ये एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और भरना होगा और भर के से ले जाना होगा ताकि आपको आपके एक्सपेंसेज पेड किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जैसे ही आगे रिजल्ट आएंगे DFCCIL के मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।